कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। दो बैलों की कहानी। मनुष्य ना तो पशुओं को समझ पाए हैं और ना उनका आभार मानते हैं। वे गधे के भोलेपन का आदर नहीं करते और बैलों को तो अपने काम आने वाला साधारण प्राणी समझते हैं। परंतु झूरी उनसे अलग था। उसे अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत प्रेम था। हीरा और मोती में अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। आज मैं हल्का बोझ उठाऊंगा। नहीं, मैं उठाऊंगा। उफ, ये झूरी तो जानवरों को ज्यादा ही लाड़ करता है। थका देने वाले दिन के बाद दोनों एक दूसरे को पुचकारते और झूरी उन्हें घास और चारा देता। एक दिन, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे नए मालिक के घर। लगता है हमें बेच दिया है। बैलों को नहीं पता था कि झूरी ने उन्हें अपने साले गया को कुछ दिनों के लिए दे दिया है। वो बहुत परेशान थे। पर क्यों मालिक, हमने आपकी कितनी सेवा की है। आपके लिए हम तो प्राण भी देने के लिए तैयार है। हीरा और मोती जाना नहीं चाहते थे। झूरी ने दोनों को कभी मारा नहीं था। मारे जाने पर वे अड़ गए। चलो आगे बढ़ो। अंततः घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। हीरा और मोती को छोटी सी गौशाला में बांधा और खाने के लिए सूखी घास दी गई। ये जगह, यहाँ के लोग, सब कुछ विचित्र है। चारा खाने का मन नहीं कर रहा है आज। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते रहे और मन ही मन जाने की इच्छा करते रहे। चलो खुट्टा तोड़कर घर लौट चले। खींचो हीरा। अगली सुबह जब झूरी की नींद खुली, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हीरा मोती लौट आए। हीरा और मोती के लौट आने का समाचार फैलते ही, इन बैलों का तो सम्मान करना चाहिए। मैं इन्हें रोटियां खिलाऊंगा। ये निराले हैं, अकेले घर लौट आए। ये बैल नहीं है, पिछले जन्म में ये अवश्य मनुष्य रहे होंगे। परंतु झूरी की पत्नी भड़क उठी। बड़े कृतघ्न प्राणी है दोनों। कृतघ्न? कृतघ्न कैसे? इन्हें ठीक से भोजन नहीं दिया तो क्या करते? सभी तुम्हारी तरह इनकी देखभाल करते हैं क्या? पसंद आए या नहीं आए, इन निठल्लों को केवल सूखी घास ही खाने को मिलेगी। थोड़ी ताजी घास डाल दो। मालकिन मेरे प्राण ले लेगी। उसे पता नहीं चलेगा। और पता चला तो आप मेरा साथ नहीं दोगे? अगले दिन गया उन्हें दोबारा लेने आया। मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना है। संभल कर, गुस्से में तुम गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दोगे। हीरा धीर गंभीर था। गया ने उन्हें दोबारा मारा नहीं, पर अरे फिर से वही सूखी बेस्वाद घास। मैं भूखा रह लूंगा पर ये नहीं खाऊंगा। तभी, तुमने कुछ खाया नहीं? लो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाई हूँ। वो गया की बेटी थी। उसकी अपनी माँ नहीं थी। वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। वो नन्ही लड़की उनके लिए हर रात रोटी लाती। उसके लाए भोजन से उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु दुखी मन को शांत अवश्य करता था। मैं और नहीं सह सकता। एक हाथ को अपनी सिंघों पर उठाकर पटक देना चाहता हूँ मैं। ऐसा करेंगे तो ये नन्ही लड़की बेचारी अनाथ हो जाएगी। तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगे? रस्सी तुड़ा कर तो भाग चले कम से कम। पर कैसे, रस्सी तो बहुत मोटी है। तभी, तुम भाग जाओ, वे तुम्हारी नाक में नकेल डालने की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ। ये लड़की संकट में पड़ जाएगी। जाओ भागो। भाग हीरा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी आओ। दोनों मित्र जान बचाकर भागे। हमें उस आदमी को पटक देना चाहिए था। वो अपना कर्तव्य भूल गया तो क्या हम भी अपना कर्तव्य भूल जाए? और भागते रहे जब तक हम भटक गए हैं। अब क्या करें? पहले मटर की ये ताजी फलियां खा ले, फिर सोचते हैं। पेट भर खा लेने के बाद, बाप रे, ये सांड तो हमारी तरफ ही आ रहा है। चलो भाग चले, हम कायर नहीं है। चलो मिलकर उसे पछाड़ते हैं। मैं सामने से आक्रमण करता हूँ, तुम पीछे से वार करो। हमने इसे पछाड़ दिया है, चलो इसे मार डालते हैं। नहीं हीरा, घायल शत्रु पर वार नहीं करते। ठीक है, मैं थोड़ी फलियां और खा लेता हूँ। ये क्या, वो लोग हीरा को पकड़ने आ रहे हैं। मोती अपने मित्र के पास पहुंचा और जल्द ही दोनों को पकड़कर बांध दिया गया। जल्द ही उन्होंने स्वयं को अंधेरी सी गौशाला में पाया। वह कई दुबले और डरे हुए जानवर थे। बड़ी उदास जगह है। अगला दिन भी बीत गया, परंतु जानवरों को एक भी दाना खाने को नहीं मिला। मैं ऐसे नहीं रह सकता। चलो दीवार तोड़ते हैं। तुम तोड़ो,
मुझ में अब दम नहीं बचा। गौशाला की दीवार कच्ची थी। मोती तब तक सिंग मारता रहा जब तक दीवार तोड़ रहा है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। क्या फायदा हुआ, मार भी पड़ी और बांध दिए भी गए। हमारी मृत्यु निश्चित है। दीवार टूट जाती तो कुछ की जान बच पाती। सच कहते हो, मैं प्रयास करता हूँ। 2 घंटे बाद जानवरों को भागने लायक दीवार टूट गई। भाग मोती, भागने का अच्छा अवसर है। क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? इतना समय साथ बिताने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हीरा के कारनामों का परिणाम अच्छा नहीं था। 1 सप्ताह बाद हमें मारा भी और भूखा भी रखा। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। 1 सप्ताह से हम केवल पानी ही पी रहे हैं। तभी जानवरों की नीलामी हो रही थी। दोनों बैल बेचे जाने वाले थे। ये रहा बैलों का जोड़ा। दोनों बैल जान चुके थे कि वो आदमी उन्हें क्यों खरीद रहा है। ये तो हड्डी का ढांचा रह गया है, चलेगा, मुझे यही तो चाहिए। नीलामी हो गई। दोनों डरे हुए जानवरों को वो ले चला। हमें मार दिया जाएगा, ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? एक बार वो नन्ही लड़की के रूप में आए थे, क्या अब वो नहीं आएंगे? कई घंटों तक वे चलते रहे। तभी ये सड़क जानी पहचानी लगती है। हाँ हीरा, हमें इसी रास्ते से लाया था। हम अपने घर के पास पहुँच रहे है। दोनों ने सिर झटका कर रस्सी तोड़ दी और फिर बछड़ों की तरह भाग गए। ये प्रभु की कृपा है, भागो, अपनी गौशाला में चलते हैं। अरे रुक। झूरी घर के द्वार पर धूप सेक रहा था। हीरा, मोती, आ गए तुम? ये मेरे बैल है, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। जब मैं इन्हें बेचूंगा तब ये तुम्हारे होंगे। मैंने इन्हें बेचा ही नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, रस्सी मुझे दो। मोती ने भड़क कर उस पर वार किया। तुम बहुत पछताओगे, बचाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा चोर डके तो। जाओ जाओ। हारकर वो आदमी चला गया। तब मोती हीरा के पास गया। वो चला गया, दोबारा लौटकर आया तो? मनुष्य के लिए हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हम भोले और सीधे साधे प्राणी हैं ना। दोनों बैल झूरी के पास सुरक्षित थे। वो उन पर प्यार लुटाने लगा। आओ मेरे हीरा, मेरे मोती। और उसने नांदों में खली भूसा भर दिया। हीरा, मोती, आ गए तुम। सुंदरपुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बहू थी जिसका नाम था राधा। राधा को एक श्वेता नाम की बच्ची थी। उसे स्कूल में छोड़ने तथा घर के सारे काम राधा ही किया करती थी। बाजार से सामान लाना, ऐसे छोटे मोटे काम तो वो आते जाते कर लेती थी। सुशीला अचार पापड़ और दही बेचने का व्यवसाय किया करती थी। उसका लड़का सुधीर खेत में काम किया करता था। उसके यहाँ एक गाय भी थी। उसी गाय के दूध से सुशीला दही बनाती थी और बेचती थी। सुशीला का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ एक दिन गांव का एक आदमी आता है। वो सुशीला से, सुशीला बहन, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर आना। अरे रघु भाई साहब, आइए ना, इधर कैसे आना हुआ? बहन, मेरे बिटिया की शादी है तो मुझे 5 किलो अचार और 5 किलो पापड़ लगेंगे। मिलेंगे ना शादी तक? हाँ हाँ, मिल जाएंगे। दही भी अच्छा है मेरे घर का, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ वो तो पता है बहन, दही में शादी के दिन लेकर जाऊंगा। ठीक है। ठीक है भाई साहब, आपके पापड़ कल ही बना के रखूंगी और अचार भी साथ में बनाकर रखूंगी, आप कल आकर लेकर जाना। ठीक है सुशीला बहन, ये लीजिए आपका एडवांस, मैं कल आकर अचार और पापड़ लेकर जाऊंगा। जी। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है। रघु जाते ही सुशीला काम करने लग जाती है। उसके पास अचार था मगर उसे पापड़ तैयार करने थे, वो भी एक दिन में। इसीलिए वो जल्दी जल्दी में पापड़ का आटा बनाने के लिए लग जाती है। और वो उस दिन राधा की मदद लेने की सोचती है। सुशीला राधा से, राधा। हाँ माँ जी। जरा इधर आना, मुझे ये पापड़ का आटा गूंदने में मेरी मदद करो। हाँ माँ जी, अभी आई। ऐसा कहकर राधा सुशीला के पास चली जाती है। राधा देखती है कि सुशीला पापड़ के आटे में मसाला थोड़ा कम डाल रही है। तभी राधा सुशीला से, माँ जी पापड़ के आटे में मुझे लगता है कि मसाला थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा और डालिए ना। अरे नहीं बहू, इतना ही ठीक है, ज्यादा डाला तो हमें वो कितने में जाएगा? मगर माँ जी, हम उसके पैसे लेते हैं, ग्राहक हमें पूरे पैसे देते हैं, तो हमें भी हमारा माल अच्छा देना चाहिए ना। अरे राधा, तू मुझे मत सिखा,
मैं मेरा काम अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? ऐसा कहकर राधा भी आटा गुनने के लिए बैठ जाती है और बाद में उसके साथ पापड़ बेलने बैठ जाती है। काम होने के कारण राधा उठ जाती है। सुशीला थोड़ी देर वहाँ पापड़ बेलती रहती है। सुशीला 5 किलो के पापड़ बेल लेती है और उसे सुखाने के लिए रखती है। तभी राधा सुशीला को आवाज लगाती है। माँ जी खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ आई। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर अपने खेत में क्या क्या करना है इसकी बातें करता है और श्वेता अपने स्कूल की बातें बताती है। अब बातें हो जाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सुशीला सारे पापड़ जमा करके एक बैग में भर देती है और एक बड़ी बर्नी में अचार भर देती है। तभी रघु आकर सुशीला से, सुशीला बहन मेरे अचार और पापड़ तैयार है क्या? जी भाई साहब, आपके पापड़ और अचार तैयार है, ये लीजिए। ऐसा कहकर सुशीला रघु के हाथों में पापड़ की बैग और अचार की बर्नी दे देती है। अब रघु बोलता है, बहन शादी के दिन में 5 किलो दही लेकर जाऊंगा, आप बना के रखना। हाँ भाई साहब, मैं बना कर रखूंगी, आप किसी को भेज देना दही ले जाने के लिए। जी ये लीजिए आपके पैसे, मैं चलता हूँ अब। जी, रघु पापड़ और अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशीला पैसे देख बहुत खुश हो जाती है, उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो पैसे अपने पोटली में रख देती है और दूसरे काम करने लगती है। अब सुशीला हर दिन अपना काम करके पापड़ बनाकर रखा करती थी, मगर सब में कुछ ना कुछ कम डाला करती थी। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं लोगों को अचार नाप के थोड़ा कम दे दिया करूँ तो मेरा ही फायदा है, और पापड़ में मसाला कम डाला तो मेरा ही मुनाफा और हो जाएगा। ऐसे सुशीला खुद से सोच कर मन ही मन में ठान लेती है और अगले दिन से वो आने वाले ग्राहकों को कम अचार देने लगी और दही के पैसे भी उसने बढ़ा दिए। अब रघु के घर उसने 5 किलो दही दे दिया और उसके उसने 300 रुपए ही लिए। तभी सुशीला का बेटा सुधीर उससे, अरे माँ आजकल गाय दूध कम दे रही है, अगर तुम्हें कुछ दूध कम पड़ रहा हो तो बाहर से खरीद लेना। अरे नहीं, फिलहाल तो चल रहा है, बाद में देखेंगे, कम पड़ा तो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ, चलो मैं खेत में जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुधीर खेत में चला जाता है और सुशीला सोचने लगती है कि तभी राम वहाँ दही लेने आ जाता है। चाची मुझे 1 किलो दही चाहिए, एकदम ताजा। हाँ राम, रुको मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर उसके हाथ के डिब्बे में सुशीला 1 किलो दही लेकर आती है। तभी उस दही को देख राम बोलता है, चाची आजकल दही में ज्यादा पानी आ रहा है। अरे बेटा ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, इसीलिए दही ऐसा होता है। अच्छा चाची ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुशीला पैसे गिनती है और खुद से बोलती है, इसे कम पैसों में दही भी अच्छा चाहिए, कौन यहाँ इतनी ईमानदारी से धंधा करता है, आया मुझे सिखाने वाला। ऐसा कहकर सुशीला घर में चली जाती है। उसे सुधीर की बातें याद आती है कि दूध कम पड़ गया तो बाहर से मंगवा लेना। वो फिर से मन ही मन में सोचती है, अगर दूध कम पड़ गया तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन सुशीला का लालच बढ़ता जा रहा था, मगर उसके बहू के नजर से ये छुपा नहीं था। सुशीला अचार कम देती थी, पापड़ में मसाला कम, और अब दूध में पानी मिलाकर उसका दही लगाया करती थी। इससे ग्राहक शिकायत किया कर रहे थे। ये सब देख राधा सुशीला से बात करने की सोचती है और कुछ मन में सोचकर सुशीला के पास चली जाती है। माँ जी आपने जो पापड़ दिए थे ना रघु चाचा के लड़की के शादी में, उसको लोग कह रहे थे कि उसमें स्वाद ही नहीं है। क्या कह रही हो बहू तुम? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर ऐसा कुछ था तो रघु मुझसे बोलने क्यों नहीं आया? माँ जी आपसे बोलने के लिए सब डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते, मगर इसका तो परिणाम आपके धंधे पर पड़ेगा ना, इससे तो ग्राहक कम हो जाएंगे और अच्छे पापड़ ना मिलने की वजह से लोग दूसरे लोगों से पापड़ खरीद लेंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। और आपके हाथों में तो कितना स्वाद है ना माँ जी, आप कुछ मिलावट या कम ज़्यादा मत कीजिए, पहले जैसे आप बनाती थी वैसे ही बनाइए। हाँ बहू तुम सच कह रही हो, मगर महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी आप थोड़े वस्तु के दाम बढ़ा देंगी तो चलेगा, मगर जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जाएगी ना उसका स्वाद लोगों के मुँह में बैठा रहना चाहिए। हाँ बहू मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मैं कम मसाला डाल पापड़ का स्वाद बिगाड़ रही थी। और माँ जी आपको दूध में भी मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोच रहे हैं कि इस गाय का दूध अगर कम पड़ रहा है तो हम दूसरी और एक गाय ले लेंगे, इससे हमें दूध की कमी नहीं होगी, इन्होंने मुझसे आज सुबह ही कहा। बहू तुम सच कह रही हो, अगर ऐसा हुआ
तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी और मेरे पदार्थों का स्वाद भी कायम रखूंगी। आप अब पैसों को लेकर मन में कभी भी लालच नहीं लाएंगी और मैं हूँ ही आपके साथ। हाँ, अब हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और मुझे सही राह दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुशीला राधा के गले लग जाती है। आज राधा की वजह से सुशीला की आंखें खुल गई थी। अब उसे पता चल गया था कि उसे किस प्रकार से अपने ग्राहकों को सब बताना है और कैसे उन्हें अच्छे पदार्थ बेचने हैं। अब सुशीला के मन में लालच मिट गया था। ये देख राधा भी बहुत खुश हो जाती है। अब से सुशीला ग्राहकों को अच्छे पदार्थ देकर अपना नाम कर रही थी और लोगों के मुंह में तो जैसे उसके पदार्थों का स्वाद ही बस गया था। अब उसने बाद में बहुत नाम कमाया और ईमानदारी से अपना काम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। एक गांव में रास्ते के सहारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फल लगा करते थे। जो भी उन फलों को देखता था उसके मुंह में पानी भर आता था और उन फलों को खाने के बाद ही आगे बढ़ पाता था। गांव के कुछ बेकार नौजवान उस पेड़ के आसपास किसी पेड़ के चट्टान की आड़ में छिपे बैठे रहते थे। अरे उधर देखो, एक आदमी इधर आ रहा है। देखने में तो कोई सेठ दिखाई दे रहा है। शानदार कपड़े पहने हैं, गले में कितने बड़े बड़े मोतियों की माला है, हाथों में अंगूठियां भी है। अरे वह तो पेड़ के नीचे रुक गया, पेड़ पर लगे फलों की ओर देख रहा है। अरे वह तो पेड़ पर चढ़ गया, उसने कई फल तोड़ लिए, अब पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रहा है। फल खाकर अब चल दिया। चलो इसके पीछे पीछे चले, फलों का जहर थोड़ी देर में असर करेगा, तब तक हम उसके पास पहुँच ही जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन फलों को खाते ही मुझे चक्कर क्यों आने लगे? अरे अब तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। सेठ चकरा कर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सेठ हाथ पाँव पटक रहा है, जब तक हम लोग उसके पास पहुँचेंगे मर जाएगा। पांचों लड़के सेठ के पास पहुँच गए। ये तो मर गया, चलो अपना काम शुरू करो। अशर्फियों से भरी थैली, अगर महीने भर में एक आदमी भी ऐसा मिल जाए तो हम थोड़े से दिनों में गाँव के सबसे धनवान आदमी बन जाएंगे। यह पेड़ हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली सिद्ध हो रहा है। कल्पवृक्ष है कल्पवृक्ष, इस पेड़ में लगने वाले फल इतने जहरीले होते हैं कि एक फल भी खाने के बाद आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और फल इतने सुंदर होते हैं कि देखकर ही जी ललचाने लगता है। एक दिन जब वे पांचों एक चट्टान की आड़ में बैठे थे, उन्होंने एक काफिले को आते देखा। काफी बड़ा काफिला है, माल से भरी 10 गाड़ियां है, आज हम जरूर लखपति बन जाएंगे। काफिले की 10 गाड़ियां उस पेड़ के नीचे पहुंचकर रुक गई। लगता है ये आम है, मैंने इतने बड़े और सुंदर आम आज से पहले कभी नहीं देखे। बहुत मीठे होंगे ये आम। तुम बैलों को खोलकर छाव में बांध दो, मैं पेड़ पर चढ़कर ढेर सारे फल तोड़ लाता हूँ। ठीक है, जब तक तुम फल तोड़कर पेड़ से उतरोगे सेठ जी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, उनका घोड़ा बड़ा पानीदार है, बस पहुँचने ही वाले होंगे। गाड़ी वालों ने गाड़ियां पेड़ की छाया में रोक दी और बैल खोलकर छाया में बांध दिए। एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा, बाकी लोग नीचे गिरे फलों को इकट्ठा करने लगे। अरे इन आमों में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्षमा करना भाइयों, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, मैं एक आम खा लेता हूँ। जब तक सेठ जी आएंगे एक एक आम खा लो। इनका रंग और खुशबू, वाह, कितने रसीले और मीठे हैं आम। वे तीनों एक एक आम लेकर खाने लगे, तभी घोड़े को दौड़ते हुए सेठ जी वहाँ पहुँच गए। अरे तुम यहाँ पे क्यों रुक गए? मैंने तो तुमसे कहा था कि हम अगले गांव के पास वाले बाग में रुकेंगे। सेठ जी, दोपहर हो चली थी, रास्ते के किनारे इस कुएं और आमों से लदे इस छायादार पेड़ों को देखकर हम लोगों ने सोचा कि यही सब रुक जाएंगे। बैलों के लिए पानी और आसपास हरी हरी घास भी है। और सेठ जी, यह देखिए पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर और बड़े बड़े आम हैं। हम तीनों ने एक एक आम खाकर देखा है, बहुत ही खूबसूरत और रसीले आम हैं। अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये आम क्यों खाए? ये तो जहरीले आम हैं। सेठ जी ने दौड़कर घोड़े पर लटके थैले में से एक शीशी निकाल दी। लो ये एक एक गोली खा लो, वरना मर जाओगे। अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया, अगर मुझे 5 मिनट भी देर हो जाती तो मेरे पहुंचने तक तुम तीनों भी मर चुके होते। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी, लाइए गोलियां दीजिए। तीनों आदमियों ने एक एक गोली खा ली। सेठ जी, आपने एक भी आम नहीं खाया
और मेरे ख्याल है कि आज से पहले आपने इस पेड़ पे लगे आमों को देखा भी नहीं होगा। फिर आपको ये कैसे मालूम हो गया कि इस पेड़ पर लगने वाले यह आम जहरीले हैं? यह बात मालूम करना बहुत ही आसान था। वह कैसे? तुम ही सोचो, सुंदर और खुशबूदार आमों से लदा यह पेड़ गांव के कितने निकट है। अगर ये आम वास्तव में जहरीले न होते तो क्या गांव में रहने वाले बच्चे इन आमों को लगा रहने देते? कभी के तोड़कर खा चुके होते, लेकिन किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं और इस तरह मुझे विश्वास हो गया कि इस पेड़ के लगे हुए आम जहरीले हैं। पता नहीं अब तक के पेड़ के लुभावने फलों ने कितनों की जान ली होगी। कुलाड़िया निकालो और इस पेड़ को अभी काट डालो, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। हाँ मालिक, अभी काट देता हूँ। सेठ जी के आदमियों ने कुल्हाड़ियाँ निकाली और पेड़ काटकर गिरा दिया। वो पांचों बेकार नौजवान दुख भरी नजरों से उस कटते हुए पेड़ की ओर देख रहे थे।